हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। फर्रुखाबाद में अधिकारियों और भाजपाइयों के बीच खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। फर्रुखाबाद में प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचा पाने, अधिकारियों द्वारा अवैध वसूली को लेकर और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे खराब व्यवहार को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं की मांग है कि तत्काल प्रभाव से सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जो इस कार्य में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सनी दिवाकर जी हैं, उनके काम के लिए गए थे तो माननीय एसडीएम महोदय से हमने बताया, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और पदाधिकारी भी हूँ, तो जो है एसडीएम साहब ने जो है तो हमें बाहर निकाल दिया। हमने बताया मैं पदाधिकारी हूँ बीजेपी का और बदतमीजी के साथ बात की, इससे जो है बहुत मतलब आगे समस्या बढ़ी। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि फर्रुखाबाद में प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के एवज में अवैध वसूली की जा रही है। दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को बेइज्जत करते हैं। पदाधिकारी सरकार की योजनाओं को लेकर अधिकारी से बात करना चाहते हैं तो उसको वहां से टरका दिया जाता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मांग की कि उज्ज्वला योजना, राशन वितरण में धांधली, वृद्धावस्था पेंशन और लेखपालों द्वारा आय, जाति, निवास और पैमाइश के नाम पर तहसीलों में सुविधा वसूली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। घूस लेने में जो भी कर्मचारी और अधिकारी लिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो जनता के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं जिससे जनता को अत्यंत लाभ होना चाहिए, लेकिन हम लोग विशेषकर फर्रुखाबाद जिले के प्रशासन से अत्यंत असंतुष्ट हैं। उनके द्वारा प्रदेश सरकार की छवि खराब की जा रही है और प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं, चाहे जिला योजना हो, गैस कनेक्शन हो, जनधन योजना हो, उसमें बैंकों के माध्यम से घपला किया जा रहा है। कल हमारे फतेहगढ़ नगर मंडल के नगर उपाध्यक्ष रवि ठाकुर जी हैं, ये सामने हैं, ये जो है एसडीएम साहब से मिलने गए थे। मैं नगर उपाध्यक्ष हूँ रवि ठाकुर और मुझे आपसे बात करनी है, तो उन्होंने इतना दुर्व्यवहार किया जिससे हम सब लोग कुपित हैं और इस कारण ही मुख्य विषय यही है कि हम लोग अनशन बैठे हैं। भाजीमो महामंत्री शशांक शेखर के नेतृत्व में अनशन पर बैठे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कई अधिकारी जानबूझकर सरकार के कार्यक्रमों को पलीता लगा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को अपमानित कर रहे हैं क्योंकि वो सफाई मानसिकता के हैं। इससे पहले भाजपा के जिला महामंत्री विमल कटियार भी सहकारी क्रय विक्रय समिति कार्यालय में जलभराव को लेकर अनशन कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।